लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। ओडिशा, भुवनेश्वर में भारी बारिश से जलमग्न हुई सड़कें, पानी में डूबे वाहन। देश के अधिकांश हिस्सों में इस समय बारिश हो रही है, लेकिन कुछ राज्यों में हो रही भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। ओडिशा में शनिवार को हुई भारी बारिश से सड़क पर खड़े वाहन डूब गए। भुवनेश्वर, देश के कई राज्यों में इस समय भारी बारिश हो रही है और ओडिशा भी इससे अछूता नहीं रहा है। राजधानी भुवनेश्वर में हुई तेज बारिश से यहां के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। भारी बारिश के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ घंटों में फिर से ओडिशा सहित असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर सहित कई पर्वतीय हिस्सों में भारी हो सकती है। आंध्र प्रदेश में भूस्खलन और भारी बारिश के चलते अभी तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार 1 से 6 जुलाई तक मानसून की सक्रियता हिमालय के तराई क्षेत्र में रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में अधिकतर स्थानों में रविवार से मंगलवार तक मूसलाधार बारिश होने की आशंका जताई गई है। वहीं जबकि पंजाब, हरियाणा और बिहार के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो अगले 2 दिनों तक यहां भी छिटपुट बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली NCR में हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भी तेज बारिश हो रही है। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बारिश से वहां के हालात बेहद खराब हो गए हैं। राम मुंशीबाग के समीप झेलम नदी का जल स्तर 21 फुट खतरे के निशान पर पहुंच गया है, जिसे देखते हुए बाढ़ अलर्ट जारी कर दिया गया है।